आज के बच्चे कल के सुनहरे भारत का आधार है। इन होनहार बच्चों को केंद्र में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों के घोषणा पत्र में हमारे देश द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषय निर्धारित किए गए एवं पंचायतों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का निर्णय लिया गया है। इसी में एक विषय है बाल मैत्री पंचायत। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतें बाल मैत्री पंचायत के लक्ष्यों की 100% प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। ग्राम पंचायत हसुड़ी औजानपुर देश की पहली ग्राम पंचायत है जहां ग्रामीण स्पेस लैब है। इसरो के मॉडल पर इस ग्राम पंचायत में विक्रम साराभाई ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत द्वारा व्योमिका स्पेस एकेडमी के सहयोग से स्पेस लैब की स्थापना कराई गई। इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक यहां के स्पेस लैब में नियमित रूप से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। 20 दिसंबर को हमारे 7 बच्चों को इसरो जाने का मौका मिला, जहां पे सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है। हमारे बच्चों को वहां जाके दिखाया गया किस तरीके से कैमरे वहां काम करते हैं, किस तरीके से उसमें सर्किट्स का क्या काम रहता है, सारी चीज़ों को वहां के लैब में हमें दिखाया गया। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में जाने का बच्चों को मौका मिला। 6 प्रोजेक्ट वहाँ बच्चों ने चयनित किया है जो शीघ्र ही हम अपने गाँव में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ग्राम पंचायत का खुद का अपना मौसम केंद्र होगा। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग का किट रहेगा किसानों के लिए, और हम GIS मैपिंग के माध्यम से पूरे गांव का एक मैपिंग करेंगे जिसके थ्रू हम ये बता सकें किसानों को कि कब उन्हें खाद डालनी है, कब उन्हें पानी की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यालय में क्यारी लगी हुई वहां पे भी हम सेंसर के माध्यम से एक सिस्टम लगाएंगे जिससे कि बच्चों को भी पता लगे कि हाँ हमारे पेड़ों को भूख लगी है, इन्हें पानी चाहिए, इन्हें भोजन चाहिए। इस तरीके से 6 प्रोजेक्ट हमने डिसाइड किए हैं जो आने वाले 2 से 3 महीने में हम अपने स्कूल के माध्यम से यहाँ करने जा रहे हैं। ये सब संभव हुआ है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील विचारों की वजह से। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग द्वारा विद्यालयों का कायाकल्प कर सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का वो कदम है जो प्रदेश के गांव-गांव में बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रहा है। इससे न केवल पढ़ेंगे बच्चे बल्कि बढ़ेंगे बच्चे और सुरक्षित होगा भारत का भविष्य। भविष्य निर्माण के हर कदम पर साथ उत्तर प्रदेश सरकार।